हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर क्लासेस। आज 28 जून है। 28 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्येन वैद को किस राज्य के हाई कोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सत्येन वैद को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 100% घरों में LPG कनेक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है और ई पंचायत पुरस्कार 2020 को भी हिमाचल प्रदेश ने जीता है। इस साल ई पंचायत पुरस्कार 2021 को उत्तर प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जर्मनी शीर्ष पर रहा है। अगर आपके पास जर्मनी का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अब बात जर्मनी की कर रहे हैं तो जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है और जर्मनी की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहते हैं। तो भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। इस आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो के संस्थानन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम विंडोज़ 11 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक IAC यानी कि इंडिजीनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो INS विक्रांत को 2022 में कमीशन किया जाएगा। 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसीलिए इसको 2022 में कमीशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना है। गोवा का कैपिटल पणजी है, गोवा के CM प्रमोद सावंत हैं और गोवा के गवर्नर जो हैं BS कोसियारी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट थावरचंद गहलोत ने लॉन्च की है। थावरचंद गहलोत वर्तमान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली है? तो अमेरिका ने कोरोना से सभी वायरस के वेरिएंट से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस राज्य ने UK के साथ समझौता किया है? तो स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र ने UK के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण किसने किया है? तो मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसका नाम विकर है, इसका अधिग्रहण AWS के द्वारा किया गया है। AWS यानी Amazon Web Services। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया है?
तो अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस गार्डन को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? तो चाइना ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF भी कहते हैं, ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF एक अंतर सरकारी संगठन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। थैंक यू।